तो लगातार हमारी जो कवरेज है वो जारी है। मैं हूं आपके साथ दीपाली। तो मध्य प्रदेश की सियासत में जिस तरह से उठा पटक जारी है, आज लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना देगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 24 घंटे का समय मांगा है और कल 10:30 बजे इसकी सुनवाई होगी। इसी पर लगातार हम चर्चा जारी रखे। हमारे साथ गेस्ट पैनल पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं, पवन तिवारी लगातार हमारे साथ बैठे हुए हैं, मुनीश्वर कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, दोनों का बहुत स्वागत एक बार फिर। मुनीश्वर जी, सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल आपके लिए ही, क्या ये जो सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन का समय मांगा है, ये समय कमलनाथ के लिए संजीवनी साबित होगा? बिल्कुल, कमलनाथ और कांग्रेस की कोशिश है कि किसी तरह जो है फ्लोर टेस्ट के मामले को टाला जाए, जब तक टाला जा सके। कानूनी जो भी दावपेच है उसकी आजमाइश कर रहे हैं, क्योंकि कल जैसे ही शिवराज सिंह चौहान की याचिका सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट की गई थी, उसके बाद ही जो दूसरा पक्ष होता है उसको भी नोटिस जारी किया जाता है और उन्हें भी सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने को कहा जाता है। लेकिन जब आज सुनवाई शुरू हुई डबल बेंच पे, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़ और हेमंत गुप्ता के बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी, जब उन्होंने सुनवाई शुरू की तो कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखने के लिए कोई नहीं मौजूद था, जबकि कोर्ट ने कल ही नोटिस, मतलब जैसे ही याचिका एक्सेप्ट हुई थी उसके बाद कोर्ट ने कहा था दूसरे पक्ष के लोग भी आकर अपना पक्ष रखेंगे, उसमें कांग्रेस के नेता भी हो सकते थे, कांग्रेस के वकील भी हो सकते थे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से किसी की मौजूदगी नहीं थी। उसके बाद आज फिर से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किया गया है कि कल 10:30 बजे जब इस मामले की सुनवाई होगी तब कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस के नेता या फिर जो भी सरकार के लोग हैं वे वहां पे मौजूद रहेंगे। अब देखना होगा कि कल वहां पे कांग्रेस की तरफ से कौन-कौन से लोग जाते हैं। हालांकि जो कानूनी मामलों के जो जानकार हैं उनकी तरफ से जो पैनल कांग्रेस की तरफ से तैयार किया गया है उसमें राज्यसभा सांसद विवेक तनखा हो सकते हैं, कपिल सिब्बल हो सकते हैं, अभिषेक मनु सिंह भी हो सकते हैं। तो कांग्रेस की तरफ से भी जो भी कानूनी पहलू है उस पर तमाम विचार मंथन किया जा रहा है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या जवाब दिया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी इस मामले में की है कि अगर आपके पास बहुमत नहीं है तो फिर आप फ्लोर टेस्ट को टाल नहीं सकते हैं। तो लोग कर्नाटक की दुहाई दे रहे हैं कि कर्नाटक में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि आप 2 बजे तक स्पीकर को कहा था कि आप फ्लोर टेस्ट करवाएंगे, लेकिन उन्होंने कानूनी दलील देते हुए उसको टाल दिया था। उसके बाद उस पर बड़ी तल्ख टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की थी कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं और कानून की पाठ हमें मत पढ़ाइए, हमें पता है हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो हालांकि विधानसभा के जो परमिशेज होते हैं और वहाँ जो भी कार्यवाही होती है उसके पूरे तरीके से जो जिम्मेदार होते हैं स्पीकर होते हैं और उन्हें ही निर्णय लेना होता है कि हमें क्या करना है। तो कहीं ना कहीं दो पहलू इसमें है जो कानूनी अड़चन आ रही है। तो स्पीकर का जो पद है वो भले ही संवैधानिक पद है, लेकिन किसी न किसी राजनीतिक दल से पूर्व में वो जुड़े रहते हैं और उसके प्रति थोड़ा सा उसके समीकरण को देखना होता है। राज्यपाल का जो पद है, जो भी केंद्र में सरकार होती है जिस दल के, तो वहां से जुड़े होते हैं राज्यपाल, तो उनके प्रति थोड़ा झुकाव दिखता है राज्यपाल के फैसलों में। हालांकि ऐसे तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से एक टसन भी चल रहा है। राज्यपाल ने कल जिस तल्ख लहजे में एक चिट्ठी लिखी थी सीएम कमलनाथ को कि आप फ्लोर टेस्ट करवाएं, हमारे आदेश का अवहेलना किया है, उस पर कोई चर्चा ही नहीं हुई। उसके बाद देर रात कमलनाथ मिलने जाते हैं विधायक दल की बैठक के बाद, विधायकों के साथ बैठक करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि हमारी सरकार तो बहुमत में है और सदन में बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लाए, उसके बाद हम उस पर विचार करेंगे कि हमें बहुमत साबित करना है कि नहीं। और मुलाकात के बाद करीब 12 घंटे बाद आज फिर से राज्यपाल के द्वारा जो चिट्ठी लिखी गई थी उसका जवाब उन्होंने दिया है और बड़े आहत तरीके, मतलब एक भावुक अपील, मतलब भावनात्मक रूप से उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि मैं बहुत ही कमलनाथ इमोशनल कार्ड खेलना चाह रहे हैं। बिल्कुल, मतलब आज जो चिट्ठी का जो मजमून है और जिस तरीके से जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है उससे जरूर कहा जा सकता है कि मतलब बिल्कुल एक इमोशनल कार्ड है। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मैं काफी आहत हूं इस कदम से, मैं प्रोटेस्ट के लिए तैयार हूं और सदन में क्या बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लाई है, हालांकि अभी पेंडिंग है, उसको मंजूर नहीं किया गया है। और उन्होंने दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही है कि मतलब आपको रीजन पता है, राज्यपाल ने अपनी चिट्ठी में कल इस बात का जिक्र नहीं किया था कि आखिर विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित क्यों किया गया, और स्पीकर की तरफ से जो तर्क दिया गया था, हालांकि एक पॉलिटिकल बात हो सकती है कि उन्होंने कहा था कि कोरोना वायरस की वजह से राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित की जा रही है।
है, तो उस चीज का भी जिक्र कमलनाथ ने किया है कि जब 26 मार्च को फिर से राज्य विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी बजट सत्र की, तब 11 बजे के बाद शायद स्पीकर अविश्वास प्रस्ताव को मंजूर करें, उसके बाद उस पर चर्चा होगी, तब फिर हम देखेंगे। तो कहीं ना कहीं मतलब एक कानूनी दाव पेज के जरिए इस मामले को टालने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना लंबा खींच सके उसको खींचा जाए, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अभी हमारे पास बहुमत नहीं है। 16 विधायक उनके बेंगलुरु में है। कल जब विधानसभा के सत्र की शुरुआत हुई थी तब ना सपा के जो विधायक हैं वो सदन में मौजूद नहीं थे, दो बीएसपी के विधायक मौजूद नहीं थे, तो नंबर गेम में कहीं ना कहीं कल वो पिछड़ रहे थे। और आगे भी अगर जब तक बेंगलुरु से विधायक नहीं लौटते या फिर बीजेपी की तरफ से कोई पाला नहीं बदलता है, लेकिन बेंगलुरु के विधायकों का रुख भी अब सामने आ गया है। जिस तरह से अभी तक तो वीडियो वायरल हुए थे, लेकिन आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ तौर पर उन्होंने कमलनाथ सरकार पर सीधे निशाना साधा है और उनकी जो कमियां हैं वो गिनाए कि किस तरह अफसरशाही हावी थी, किस तरह से उनकी सुनी नहीं जा रही थी, इसलिए इस्तीफा दे दिया। तो साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि ये विधायक अगर आ भी जाते हैं तो भी बहुत ज्यादा कुछ फायदा नहीं हो सकता। बिल्कुल, अभी तक कांग्रेस की तरफ से यही कहा जा रहा था कि इन विधायकों को बंधक बनाकर रखा गया है और करीब 10 दिन उनको गायब हुए हो गए, बेंगलुरु में जाकर रुके हुए, उसके बाद से वो या तो चिट्ठी लिख रहे थे या सेल्फ वीडियो जारी कर रहे थे और लगातार कह रहे थे कि हम सिंधिया के साथ हैं या फिर कमलनाथ सरकार के साथ नहीं है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि तमाम जो मीडिया चैनल्स हैं उनको बुलाया गया और लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया उनकी तरफ, सब लोगों ने एक एक कर अपनी बात रखी और खुलेआम तौर पर सरकार पे निशाना साधा। हम लोग जो मंदसौर से विधायक हैं हरदीप सिंह डंग, उनको सुन रहे थे, उन्होंने जिस तरीके से मतलब सिर्फ प्रदेश नेतृत्व पे ही नहीं केंद्रीय नेतृत्व पे भी उन्होंने सवाल उठाया कि राहुल गांधी कैसे तवज्जो नहीं देते थे, और सिर्फ हरदीप सिंह डंग की बात नहीं है, जो पूर्व में भी लोग कांग्रेस बड़े नेता जो छोड़ कर गए हैं पार्टी, वे लोग भी सीधे राहुल गांधी पर ही अटैक करते रहे कि कैसे उनकी अनदेखी की जाती थी, टाइम नहीं देते थे। जो असम में इनके कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे हेमंत बिस्व शर्मा, अभी बीजेपी में है वहाँ पे, तो उन्होंने जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब बगावत शुरू की थी तब उन्होंने कहा था कि जब हम राहुल गांधी से मिलने जाते हैं तो बात करते हैं और अपने डॉगे के साथ फिर खेलने लगते हैं। तो मैं इस तरीके से बड़े नेताओं को इग्नोर करते थे, जो भी नेता जाते हैं वो इस तरह के आरोप लगाते रहे हैं राहुल गांधी के ऊपर। बिल्कुल, तो जिस तरह से अभी जो बयानबाजी चल रही है कि एक तरफ बेंगलुरु में बैठे विधायक बगावत पर उतर आते हैं और कमलनाथ पर सीधे हमला बोलते हैं, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से जो एक दिन का समय है वो लिया जाता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, अब कल इस पर सुनवाई होगी। पवन, इस पूरे घटनाक्रम पर अगर हम नजर डालें तो एक तरफ तो जहां कांग्रेस को 24 घंटे का समय मिल गया है, तो दूसरी तरफ जिन विधायकों के दम पर कांग्रेस ये कह रही थी कि हम बहुमत में हैं, वो विधायक कांग्रेस से बिल्कुल दूर जाते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल दीपाली, देखिए मध्य प्रदेश का जो आज के हालात की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई एक दिन के लिए टाल दी गई है। कमलनाथ ने भी अपनी जो लेटर लिखा है राज्यपाल को, उन्होंने ये बता दिया कि सदन स्थगित है जिस कारण फ्लोर टेस्ट नहीं हो सकता है। दूसरी तरफ वो विधायक मीडिया के सामने आ गए जिनको बंधक बनाने का आरोप था। सच्चाई ये है कि कमलनाथ सरकार के पेपर में वो 107 की संख्या में है, 108 में है, 114 थे, 6 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं और उनके मंजूर हो चुके हैं, 108 आज भी ऑन पेपर हैं। लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत यही है कि मध्य प्रदेश में 22 विधायकों के इस्तीफे के बाद कमलनाथ के हाथ से सत्ता खिसकती हुई नजर आ रही है। तो ये जो लेटर है देखिए पूरी तरह से भावनात्मक है, और इस भावनात्मक लेटर मुझे ऐसा लगता है कि एक बार कमलनाथ ने जनता से जुड़ने की कोशिश की है लेटर लिखकर, और बताने की कोशिश की है कि जो मध्य प्रदेश में ये पूरा सियासी खेल चल रहा है, इस सियासी खेल में कौन सा नेता किसके साथ है, कौन बागी हो रहा है और कौन समर्थन में है, इन सब ये सब चीज़ें एक पहलू हो सकती हैं। लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा पहलू है वो ये है कि कमलनाथ ये चाहते हैं कि क्षेत्र की जनता और प्रदेश की जनता उनके साथ खड़ी रहे और उन्हें एक मैसेज देने के लिए हो कि कमलनाथ की सरकार को सुचारू रूप से किस तरह से भाजपा ने नहीं चलने दिया है। तो ये सारा खेल अब कमलनाथ भावनात्मक अपील पर हैं, दूसरी तरफ मीडिया के में वो विधायकों ने भी
उस दावे को खारिज किया कि बंधक हैं। अभी तक कमलनाथ ये कह रहे थे कि अगर भोपाल नहीं आ रहे हैं तो मीडिया के सामने आएं और मीडिया के सामने बात करें और अपनी वो बताएं उन्हें बंधक क्या है। आज वो मीडिया के सामने आ गए और उन्होंने खुले तौर पर केंद्रीय कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व और कमलनाथ पर हमला बोला। ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए सारे विधायकों ने एक ही बात कही कि हमारे नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, उन्होंने भाजपा में जाने की संभावनाओं को इनकार कर दिया, सब कुछ किया। लेकिन उनकी अंतिम लाइन एक यही थी, इमरती देवी ने अपना वही पुराने भाषण को लगातार फिर से दोहराया कि महाराज के कहने पर मैं कुआं में कूद जाऊंगी, महाराज के कहने पर मैं झाड़ू लगाऊंगी। तो क्या महाराज के कहने पर भाजपा भी ज्वाइन कर सकते हैं? बिल्कुल, जिन विधायकों ने इस्तीफा दिया है उनका राजनीतिक भविष्य आगे क्या होगा ये मुझे ऐसा लगता है कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही तय करना है जी। और ये ज्योतिरादित्य सिंधिया ही तय करेंगे कि ये भाजपा में शामिल होते हैं या क्या करते हैं भविष्य में। लेकिन जहां तक अटकलें हैं वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर, और उन्होंने साफ भी कर दिया है सभी विधायकों ने, आप देखिए कि हमारे नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, जबकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ है वो कमलनाथ को अपना नेता तक नहीं मान रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ महाराज श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया है। तो जहां एक तरफ ये जो 22 विधायक हैं ये सिंधिया के साथ है जिनके दम पर कमलनाथ ये कह रहे थे कि हमारे पास बहुमत है, लेकिन कितने दिन तक, बड़ा सवाल यही है कि कितने दिन तक कमलनाथ फ्लोर टेस्ट डाल सकते हैं, क्योंकि अभी राज्यपाल को लेटर का जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया कि 26 तक कार्रवाई स्थगित है इसीलिए फ्लोर टेस्ट नहीं कराया जा सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी तो अभी पेंडिंग है, हो सकता है कल सुनवाई करने के बाद फ्लोर टेस्ट की वो बात कह दें और जैसा कर्नाटक में हुआ था वैसा ही मध्य प्रदेश में हो और यहाँ पर भी कर्नाटक पार्ट टू बन जाए। बिल्कुल, देखिए अब जो राज्यपाल के लेटर को लेकर है तो ये तो तय है कि जिस तरह से दो लेटर लिखे जा चुके हैं और कमल राज्यपाल आगे भी लेटर लिख सकते हैं, तो ये तो तय है कि राज्यपाल के लेटर के आधार पर मध्य प्रदेश में अब फ्लोर टेस्ट की गुंजाइश कम है। मध्य प्रदेश में अब फ्लोर टेस्ट की स्थिति अगर बनती है तो वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही बनेगी, और सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है, सुप्रीम कोर्ट किन परिस्थितियों में, और सुप्रीम कोर्ट सरकार को कितना वक्त देता है ये भी देखने की, अगर सुप्रीम जैसे कि सदन 26 तारीख तक स्थगित है तो इस बात पर भी होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट 48 घंटे का वक्त देता है, 72 घंटे का, 24 घंटे का, तो ये तो तय है कि मध्य प्रदेश में जो फ्लोर टेस्ट होगा वो फ्लोर टेस्ट अब मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही हो सकता है। राज्यपाल की चिट्ठियां अब मध्य प्रदेश में फ्लोर टेस्ट करवाने की स्थिति में नहीं होगी, और राज्यपाल को जिस तरह से आज सीएम कमलनाथ ने लेटर लिखकर अपनी स्थिति साफ कर दी है कि कोरोना वायरस के कारण 26 मार्च तक सदन स्थगित है, तो सीधी सी बात है कि इसके दौरान अगर राज्यपाल लेटर भी लिखते हैं कई बार तो उनका यही एक जवाब होगा कि सदन स्थगित है, प्रोटेस्ट कहां से करवाएं और सदन में जो शक्तियां हैं सदन के अंदर वो स्पीकर के पास। लेकिन पवन यहां पर आपसे ये जानना चाहेंगे कि राज्यपाल के निर्देश के बाद क्या जो विधानसभा की कार्रवाई स्थगित हो जाती है क्या वो फिर से चालू नहीं हो सकती और क्या फ्लोर टेस्ट नहीं कराया जा सकता? नहीं, बिल्कुल कराया जा सकता है। राज्यपाल इस सरकार किसी भी प्रदेश की सरकार के मुखिया हैं और राज्यपाल ही तय करते हैं, राज्यपाल के नोटिस जारी कर सकते हैं, राज्यपाल के पास पूरा अधिकार है। लेकिन फ्लोर टेस्ट करवाना है, सदन को चलाना है, कैसे चलाना है ये अंदर स्पीकर ही तय कर सकते हैं। राज्यपाल के फैसले मानने के लिए सरकारें बाध्य हैं, कोई भी सरकार हो, किसी भी राज्य की सरकार हो, राज्यपाल के फैसले को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। लेकिन सदन कैसे चलेगा, सदन में क्या होगा, सदन को कैसे चलाना है, प्रोटेस्ट कराना है, ये फैसला स्पीकर ही ले सकते हैं। सदन राज्यपाल सदन के अंदर उनको इस बात के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से ये पूरा जो मामला सामने आया है और जिस तरह से राज्यपाल ने कल बिल्कुल दो टूक शब्दों में कह दिया था कि अगर फ्लोर टेस्ट नहीं हुआ तो वो ये मान लेंगे कि सरकार अल्पमत में है, उसके बावजूद फ्लोर टेस्ट नहीं हो रहा, तो ये कहीं ना कहीं राज्यपाल के आदेशों की अवहेलना नहीं है, और राज्यपाल इसमें आगे क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या राष्ट्रपति शासन के लिए भी वो आगे अनुशंसा भेज सकते हैं? बिल्कुल, राज्यपाल के पास शक्तियां हैं, राज्यपाल के पास ये विकल्प है, राज्यपाल दो लेटर लिख चुके हैं, राज्यपाल के पास ये कहने के लिए होगा, वो अगर केंद्र को अपनी रिपोर्ट भेजते हैं तो वो इस आधार पर कह सकते हैं कि मैंने दो बार लेटर लिखे, मध्य प्रदेश में राजनीतिक स्थिरता नहीं है और राजनीतिक अस्थिरता आ गई है, उस अस्थिरता को देखते हुए मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, राज्यपाल के पास ये विकल्प हर वक्त खुला है। लेकिन जिस तरह से चिट्ठी जारी की जा रही है और चिट्ठी के आधार पर फ्लोर टेस्ट अब मध्य प्रदेश में नहीं होगा ये तय है, क्योंकि सरकार, और अभी तक ये कहा जा रहा था कि स्पीकर का
और राज्यपाल राजभवन के बीच टकराव है, लेकिन अभी जिस तरह से विधानसभा सचिव का बयान आया तो उस बयान को आप देखें तो ठीक विपरीत है। ये कहा जा रहा है कि हम विधानसभा कार्यसूची तैयार नहीं करती, इसका सीधा मतलब है कि कार्यसूची सरकार द्वारा तैयार होती है और उस पर जिक्र नहीं किया जा रहा। तो लड़ाई आगे राज्यपाल क्या डिसीजन ले सकते हैं वो राज्यपाल का विवेकाधिकार है, राज्यपाल के पास शक्तियां कई, उनके पास कई विकल्प हैं, वो विधानसभा भंग कर सकते हैं, राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, वो उनका विवेकाधिकार है। लेकिन जो मौजूदा स्थिति है उसे मुझे ये लगता है कि राज्यपाल अभी एक और लेटर लिख सकते हैं और दूसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई है उस फैसले का भी इंतजार किया जा सकता है, उसके बाद ही राज्यपाल अगर आगे बढ़ते हैं तो कल के बाद ही राज्यपाल आगे बढ़ सकते हैं। जी मुनेश्वर जी, यहाँ पर आपसे ये जो पूरा सियासी ड्रामा चल रहा है, चाहे हम वो लेटर पॉलिटिक्स की बात करें कि एक तरफ से पहले राज्यपाल की तरफ से लेटर जाता है, फिर सीएम उसका जवाब देते हैं, लेकिन फ्लोर टेस्ट नहीं होता है, तो क्या लगता है इन परिस्थितियों में किस तरह से आगे की जो रणनीति है वो बन सकती है और आगे क्या इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है? देखिए बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसे लेकर एक राजनैतिक प्रतिबद्धता होती है, जो भी संवैधानिक पद पे लोग होते हैं तो यहाँ भी कुछ इसी तरह का दिख रहा है कि गवर्नर बार बार सीएम को चिट्ठी लिख रहे हैं और इस पूरे प्रकरण को लेकर करीब तीसरी बार उन्होंने चिट्ठी लिखी थी और इसके बाद तमाम चिट्ठियों के जवाब सीएम कमलनाथ की तरफ से भी दिया गया है और कमलनाथ ने जो आज अपनी तीसरी चिट्ठी गवर्नर को लिखी है और जिस तरीके से उन्होंने इमोशनल कार्ड खेला है और जिस तरह की बातें उस चिट्ठी में लिखी है, तो गवर्नर यही चाहते हैं, गवर्नर के पास अब पूरी तरीके से संवैधानिक अधिकार है कि वे चाहे तो सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें अगर लगता है कि सरकार बहुमत में नहीं है और सरकार सदन के अंदर अपने बहुमत साबित करने की कोई कोशिश नहीं कर रही है तो ऐसे में राज्यपाल के पास ये अधिकार होता है। कल मैंने कई संविधान विशेषज्ञों से बात की थी, उनका भी साफ कहना था कि अगर गवर्नर चाहते हैं तो केंद्र सरकार गृह मंत्रालय को सरकार बर्खास्त करने की सिफारिश कर सकते हैं, लेकिन इसमें अगर राजनीतिक स्थिति को देखें तो जिस तरीके से आज सीएम ने चिट्ठी लिखकर इमोशनल बातें लिखी थी उस चिट्ठी में, तो अगर इन केस गवर्नर सरकार को बर्खास्त करते हैं तो कांग्रेस फिर से एक इमोशनल कार्ड खेलेगी और जनता के बीच में जाएगी कि हमारी जो बहुमत साबित करने का हमें मौका नहीं दिया गया और सरकार को उन्होंने बर्खास्त कर दिया। और कमलनाथ भी यही चाहते हैं कि हम सदन में जाएं और बहुमत खोकर इस्तीफा दे, उससे अच्छा है कि हम इस तरीके से गवर्नर को मजबूर कर दें या केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है कि उन्हें इस तरीके से प्रेशराइज करें कि अंत में उन्हें निर्णय लेना पड़े कि सरकार को बर्खास्त किया जाए और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। लेकिन बीजेपी भी इससे लगातार बच रही है कि कहीं से भी मतलब इमोशनल कार्ड खेलने का मौका कांग्रेस को नहीं दे सकती है कि जाकर आप फिर जनता से इसका सहानुभूति ले। तो गवर्नर को भी इंतजार है कि कल आज ही, हालांकि आज ही सुनवाई होनी थी लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई गया नहीं, इस वजह से आज सुनवाई टल गई, तो ऐसे में कल पर सबकी निगाहें टिकी है कि कल क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है और सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में दोनों पक्षों के सुनने के बाद क्या कुछ निर्णय होता है, उसके बाद ही बीजेपी भी आगे कदम बढ़ाएगी। क्योंकि इस प्रक्रिया में जाने से पूर्व जब बजट सत्र की शुरुआत हो रही थी उसके पूर्व में दिल्ली में बीजेपी के जो तमाम आला नेता हैं, पहले तो आपसी बैठक हुई उनके साथ, फिर जाकर मानसेर में जहाँ पे बीजेपी के विधायक रुके थे उनसे बातचीत हुई, उसके बाद उनसे मिलने से पहले जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उनके साथ उनके करीब घंटों बैठक हुई थी जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर थे, धर्मेंद्र प्रधान थे केंद्रीय मंत्री, ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, शिवराज सिंह चौहान थे, तो तमाम कानूनी पहलुओं को उनके साथ बैठकर बीजेपी नेताओं ने समझा था। उसके बाद देर शाम जाकर गृह मंत्री अमित शाह को इन तमाम परिस्थितियों से अवगत कराया था कि क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि जब भी प्लानिंग इस तरीके की होती है और सरकार जब अल्पमत में है और बीजेपी की कोशिश है कि जैसे ही फ्लोर टेस्ट में कमलनाथ की सरकार फेल होती है तो सरकार गिर जाएगी, उसके बाद अगली जो कवायद है कि बीजेपी खुद यहां सरकार बनाने के दावा पेश कर सकती है, तो उसके बाद उनकी कोशिश है कि कहीं भी कोई कानूनी अड़चन न रहे और जो भी प्रक्रियाएं हो कानून के दायरे में रहकर ही हो, तो ऐसे में सबकी निगाहें जो है वो सुप्रीम कोर्ट पर ही टिकी है कि कल क्या कुछ फैसला आता है उसके बाद आगे कदम बढ़ाएगी बीजेपी। तो देखा जाए तो राष्ट्रपति अगर शासन लगने की जो उम्मीद है वो काफी कम नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को बेनिफिट देगा, इमोशनल कार्ड कांग्रेस खेल सकती है, जिसपे जिसके पक्ष में बीजेपी भी बिल्कुल नहीं है। और जिस तरह से बीजेपी ने इस पूरे, अगर हम
इसे तथाकथित ऑपरेशन लोटस ही कहें तो इसकी जो पूरी पटकथा है दिल्ली में लिखी गई है और अगर इसमें दिग्गज नेताओं का हाथ है तो ये पूरा एंड तक इसकी जो पूरी स्क्रिप्ट है वो तो ऑलरेडी लिखी जा चुकी होगी। लेकिन यहाँ पर मुनेश्वर जी एक सवाल और आता है मध्य अवधि चुनाव का। अगर पूरी अगर सरकार पूरी कैबिनेट ही अगर इस्तीफा दे देती है तो क्या मध्य अवधि चुनाव भी हो सकते हैं? बिल्कुल, हालांकि अभी वैसी कोई परिस्थिति बन नहीं रही है। अगर कमलनाथ इस तरह के फैसला लेते हैं तो पहले उनको कैबिनेट की मीटिंग बुलानी होगी, तो अभी कैबिनेट में पूरे साथी भी उनके नहीं हैं। तो हालांकि उनके जो जिम्मे जो मंत्रालय थे उन दूसरे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, तो पहले उनको कैबिनेट की बैठक बुलानी होगी। कैबिनेट की बैठक के बाद वो विधानसभा भंग करने की सिफारिश करेंगे, उसके बाद राज्यपाल के पास जाएंगे। तो राज्यपाल पे निर्भर करता है कि आखिर परिस्थिति क्या है, विधानसभा में सदन में सदस्यों की संख्या क्या है, उन पर निर्भर करता है कि हम विधानसभा को भंग करें या नहीं करें, या फिर जिन सीटों जो सीट खाली हो रहे हैं उन पर उपचुनाव करवाएं। तो इतना आसान भी नहीं है। हालांकि हाँ, एक परिस्थिति अगर सरकार राष्ट्रपति शासन यहाँ पे लागू होता है तो कुछ दिन बाद बीजेपी के पास चूंकि बहुमत है, जो नंबर गेम है उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं आगे है, तो ऐसे में बीजेपी सरकार बनाने का दावा पेश करती है तो सिर्फ बच जाते हैं अगर 2200 विधायकों, 6 के तो इस्तीफे मंजूर हो गए हैं, 16 के और मंजूर हो जाते हैं, तो 22 विधानसभा सीटों पर फिर उपचुनाव की परिस्थिति बनेगी। तो अगर उपचुनाव होती है, अगर उसमें कांग्रेस बाजी मार लेती है इस इमोशनल कार्ड के सहारे कि हमारी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था, इन लोगों ने छल किया था, तो फिर बीजेपी को नुकसान हो सकता है। अगर बीजेपी वो बाजी जीत जाती है तो फिर अगले 3.5 साल जो सरकार का कार्यकाल बचा हुआ है तो वो पूरा मतलब शासन करेगी। तो बीजेपी अभी फुक-फुक कर कदम उठा रही है कि ऐसी कोई ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाए जिसका फायदा कांग्रेस उठा ले। तो यही वजह है कि जो प्रदेश के आला नेता हैं और दिल्ली में जो बैठे लोग हैं जो इस ऑपरेशन में शामिल है और जो इन तमाम चीजों को लीड कर रहे हैं, उन तमाम पहलुओं को देखते हुए ही कदम को आगे बढ़ा रहे हैं कि आगे जाकर कोई मुश्किलें खड़ी ना हो। और पहली उनकी कोशिश है कि जो विधानसभा से अनुपस्थित विधायक हैं जिन्होंने इस्तीफा भेज दिया है वो सारे कांग्रेस के हैं, तो राज्यसभा चुनाव तक कम से कम उनको प्रदेश से दूर ही रखा जाए, क्योंकि 26 मार्च तक विधानसभा की कार्यवाही स्थगित है और 26 मार्च को ही राज्यसभा के लिए वोटिंग होनी है। तो बीजेपी ने 2-3 उम्मीदवार, एक डमी उम्मीदवार भी उन्होंने उतारा है जिनका नामांकन एक्सेप्ट हो गया है, बाकी दोनों उम्मीदवारों के नामांकन में भी पेच फंसा हुआ है। आज उस पर भी फैसला आना है कि उनका नामांकन रद्द होता है या स्वीकार होता है। तो ऐसे में उनकी कोशिश है कि पहले जो 2 सीटें हैं राज्यसभा के उनको निकाल लिया जाए, उसके बाद सरकार बनाने की दिशा में आगे कदम बढ़ाएंगे और तेजी लाएंगे। लेकिन जो परिस्थिति बनी उसके हिसाब से अभी मतलब बीजेपी की कोशिश है कि पहले सरकार जो है सदन में अपना बहुमत साबित करे, तो सुप्रीम कोर्ट ही फिलहाल उनके पास रास्ता है, क्योंकि राज्यपाल का जो विकल्प है कि अगर राष्ट्रपति शासन प्रदेश में लागू करने की सिफारिश की जाए तो वो आखिरी विकल्प होता है कि मतलब तमाम जो कानूनी हथकंडे हैं वो फेल हो जाए, उसके बाद शायद कोशिश होगी कि ठीक है अगर सरकार बनानी है तो फिर सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए, क्योंकि सरकार के पास बहुमत नहीं है। तो अब सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देती है और तमाम जो केंद्र बिंदु है वो बेंगलुरु में जो 16 बागी विधायक कांग्रेस के रुके हुए हैं उन पे निर्भर करता है। हालांकि अभी तक उनका रुख स्पष्ट है कि हम ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ हैं, कमलनाथ सरकार के साथ नहीं है, और जिस आधार पे बाकी 6 विधायकों का इस्तीफा मंजूर किया गया है उसी आधार पे हमारा भी किया जाए। तो ऐसे में अभी तक जो परिस्थिति बनी हुई है उस तमाम चीज़ें भी बीजेपी के पक्ष में है। हालांकि लगातार कल भी जब कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई थी, बैठक से निकलने के बाद जो वित्त मंत्री हैं तरुण भनोट, उन्होंने कहा था कि हम बहुमत साबित करेंगे, हमारे पास बहुमत है। और सीएम कमलनाथ ने भी विधायकों के साथ बैठक के दौरान एक बात उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर कहा था कि आप जब मुस्कुराते हैं तो हमें बल मिलता है, आप इसी तरह से मुस्कुराते रहिए। तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा जरूर लूज हुआ है लेकिन सामने दिख नहीं रहा है। तमाम जो नेता हैं उनका अगर बॉडी लैंग्वेज देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो शुरुआत में चीजें थी और अब उसमें थोड़ा परिवर्तन दिख रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि नंबर गेम में हम कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं। हालांकि उनकी तरफ से दावा जरूर किया जा रहा है कि बीजेपी के कुछ लोग हमारे संपर्क में, लेकिन खुले तौर पे अभी तक कुछ ऐसा दिखा नहीं है कि बीजेपी के लोग उनके टच में उनके साथ जा रहे हैं। सिर्फ एक नारायण त्रिपाठी जो 107 बीजेपी के अपने विधायक हैं उनमें से एक नारायण त्रिपाठी जरूर सीएम से मिलने गए थे, बाकी एक शरद कोल नाराज चल रहे थे, लेकिन उन्होंने भी वीडियो जारी कर कह दिया कि बीजेपी के साथ है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा मुश्किलें अभी मतलब दिख नहीं रही है। अंदर खाने में क्या चल रहा है इसकी जानकारी बीजेपी
के आला नेताओं को ही होगी, लेकिन सामने अभी तक कुछ सामने बगावत जैसे कोई बात सामने नहीं आई है कि बीजेपी के अंदर भी नाराजगी है। भुवनेश्वर जी, बीजेपी कांग्रेस की खुशी के बारे में, जो मुस्कुराहट के बारे में आपने बात कही, लेकिन कई बार मुस्कुराना इसलिए भी पड़ता है ताकि जो विरोधी हैं उनके हौसले पस्त हो जाएं। बीजेपी की स्थिति जैसा कि आपने कहा कि मजबूत नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी भी फूक फूक कर कदम रख रही है, पर समय बड़ा बलवान होता है और ये समय किसका साथ देता है ये डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर। लेकिन जिस तरह से पहले 16 मार्च को फ्लोर टेस्ट होना था उसके लिए आज पर बात टली, आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ सकता था लेकिन अब कल पर बात टल गई है, तो ये जो 48 घंटे का समय कमलनाथ सरकार को मिला है, क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट समय है उसके लिए? क्या इसको यूटिलाइज किया जा सकता है और जो बागी विधायक है उनको मनाया जा सकता है? बिल्कुल, कोरोना ने पहले ही कमलनाथ की सरकार को 10 दिन की और ज़िंदगी बढ़ा दी थी। मतलब जिस तरीके से विधानसभा की कार्यवाही स्थगित की गई, अगर विधानसभा की कार्यवाही चलती रहती तो बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी, कल ही लेकर आई थी, तो स्पीकर को देर सवेर मंजूर ही करना पड़ता, उसके बाद फ्लोर टेस्ट की स्थिति बनती या फिर ये सदन नहीं चलने देते, लगातार सदन में हंगामा करते। तो उसके बाद बीजेपी सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए पहले पूर्व में ही तैयारी कर रखी थी, जैसे ही यहाँ कार्यवाही स्थगित की गई वहाँ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई जाती है, कुछ घंटे बाद याचिका को स्वीकार भी कर लिया जाता है और सुनवाई की तारीख आज तय की गई थी। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें टालने की कोशिश है, कमलनाथ को पता है कि जो चीज़ें मतलब हैं उनको किसी तरीके से मैनेज किया जाए। हालांकि अभी तक उनके कई जो मंत्री हैं सरकार के, कई लोगों ने लगातार कोशिश की कि बेंगलुरु जाकर उन विधायकों से मुलाकात कर ले, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। यहाँ तक कि मतलब जो एक विधायक कुणाल चौधरी जिन्होंने इस्तीफा दिया, उनके पिता को लेकर, मनोज चौधरी के पिता को लेकर वहाँ पे गए थे, उनसे मुलाकात नहीं हुई, तो फिर जाकर वहाँ के पुलिस में शिकायत की। गृहमंत्री अमित शाह को कमलनाथ ने स्वयं उनको रिहाई के लिए पत्र लिखा है। तो कहीं ना कहीं कोशिश है कि उनसे एक बार बात हो जाए, कांग्रेस के लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। ऐसी खबरें आज फिर आ रही थी कि कांग्रेस के कुछ नेता वहाँ कर्नाटक जा सकते हैं जी, और उनसे मिलकर बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन भुवनेश्वर जी, कांग्रेस ने अपनी सभी विधायकों के लिए विहिप जारी किया हुआ है, और माने या ना माने, भले ही इन विधायकों ने इस्तीफा दे दिया लेकिन इनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है। ऐसे में विहिप जारी होने के बाद अगर ये विधानसभा की कार्रवाई में मौजूद नहीं रहते तो इनके ऊपर क्या कुछ एक्शन लिया जा सकता है? क्या इनके ऊपर दलबदल कानून लगाया जा सकता है? क्या इन्हें विधानसभा से बर्खास्त किया जा सकता है? क्या हो सकता है? देखिए, विहिप का मतलब होता है कि पार्टी जब भी कोई विहिप जारी करती है तो उसका सीधा मतलब होता है कि आप पार्टी लाइन के खिलाफ नहीं जाएंगे और सदन में उपस्थित रहेंगे। अगर सदन में उपस्थित नहीं है तो पार्टी को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि आप क्यों नहीं है, और परिस्थिति पर भी निर्भर करता है कि कितना महत्वपूर्ण चीज पर डिबेट होना है या किसी विधेयक को लेकर वोटिंग होना है या फिर फ्लोर टेस्ट है, तो उस दौरान उनकी उपलब्धता मतलब माना जाता है कि उनको मौजूद रहना ही है। जब बीजेपी की तरफ से कल वेब जारी हुआ था, भले ही बीजेपी के साथ नहीं दिख रहे थे नारायण त्रिपाठी, लेकिन सदन में मौजूद थे। अगर वे सदन में मौजूद नहीं रहते तो पार्टी ये सिफारिश कर सकती थी कि उनकी सदस्यता को बर्खास्त मतलब रद्द की जाए। तो दूसरी बात ये होती है कि अगर वो सदन में मौजूद हैं और मौजूद रहने के बाद दूसरे खेमे के लिए वोट कर देते हैं तो उनके वोट की तो गिनती होगी, लेकिन पार्टी की तरफ से उन पे कानूनी दल बल कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी, उनकी सदस्यता खत्म की जा सके। तो अगर वाकई में जो 16 विधायक वहाँ बेंगलुरु में रुके हैं और वाकई में बीजेपी के पक्ष में और कमलनाथ सरकार के साथ नहीं रहना चाहते हैं तो सदन में मौजूद रहकर भी वो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, बाद में पार्टी उनके ऊपर जो भी एक्शन लेना होगा वो लेगी। लेकिन कांग्रेस को उम्मीद है कि वही जो 16 है वही सरकार इधर से उधर कर सकते हैं, तो ऐसे में आखिरी कोशिश है कि उन्हें मना लिया जाए या फिर बीजेपी खेमे में सेंधमारी की जाए और कोशिश है। लेकिन बीजेपी पहले से ही सतर्क है, पहले गुरुग्राम लेकर अपने विधायकों को जाती है, उसके बाद अब सीहोर के एक होटल में रखी हुई है, और तमाम जो बड़े नेता हैं प्रदेश के लगातार उनके संपर्क में, उनसे जाकर मिल रहे हैं। आज सुबह शिवराज सिंह चौहान फिर उनके पास गए थे, उनसे मुलाकात की, बात की, उसके बाद फिर भोपाल के लिए निकले, और बाकी कई नेता पहले से ही वहाँ निगरानी रखे हुए हैं। तो बीजेपी को भी डर है कि कुछ जो असंतुष्ट लोग हैं वे मतलब धोखा दे सकते हैं, जिस तरीके से नारायण त्रिपाठी बार बार उनका सुर बदल रहा है, शुरुआत में भी एक विधेयक के दौरान, हालांकि उस दौरान सदन में भी बीजेपी की तरफ से नहीं जारी किया गया था, उसके बावजूद उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, बाद में फिर जब उस समय राकेश सिंह अध्यक्ष थे, क्रॉस वोटिंग के बाद नारायण त्रिपाठी को मना कर ले आए थे, लेकिन कुछ महीने बाद फिर उनका सुर बदल गया और कमलनाथ का गुणगान करने लगे।
तो कहीं ना कहीं बीजेपी के मन में भी डर है, लेकिन पहले से ही सारी तैयारियां कर रखी है कि कैसे अपने विधायकों को एकजुट रखना है। बिल्कुल, गुटबाजी की अगर हम बात करें तो सिर्फ कांग्रेस में हावी नहीं है, बीजेपी भी कहीं ना कहीं गुटबाजी है। और जो हम बात कर रहे हैं लगातार कमजोर कड़ी की, नारायण त्रिपाठी जरूर वो कमजोर कड़ी निकले, लेकिन कांग्रेस लगातार सेंधमारी की कोशिश कर रही है। और चूंकि ये विधायक मध्य प्रदेश की टेरिटरी में ही है, सीहोर में ही ठहरे हुए हैं, ऐसे में क्या लगता है आपको, कांग्रेस क्या कुछ और कर सकती है कि जो बीजेपी के पाले में जो विधायक है उन्हें अपनी साइड लाया जाए? क्योंकि बेंगलुरु वाले 16 विधायक तो फिलहाल ये नहीं लग रहा कि वो कांग्रेस के पास आ सकते हैं। कांग्रेस के पास विकल्प यह है कि उनसे संपर्क किया जाए, बात किया जाए। फिलहाल कुछ ऐसे स्थिति बनती नहीं दिख रही है कि जो बीजेपी के विधायक हैं उनसे कोई संपर्क हो पाए। भले सदन में वोटिंग के टाइम में अगर पहले से कोई बात हुई होगी या पहले से कोई डील होगी तो वोटिंग के समय क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती है। मतलब 2 या 3 या 4 बहुत जा सकते हैं, लेकिन उतने बड़े पैमाने पर ना तो बीजेपी में कभी कोई नाराजगी देखने को मिली। कुछ नेताओं ने जरूर कभी कभी पार्टी नेतृत्व पे सवाल उठाया था, लेकिन उतनी बड़ी संख्या नहीं है। लेकिन कांग्रेस को जब से सरकार प्रदेश में बनी थी उसके बाद से ही मतलब विरोधी की जो भूमिका है वो उनके अपने लोग ही निभा रहे थे। दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह हैं, वे लगातार नाराज चल रहे। कई मंत्री लगातार कहते थे कि हमारे मंत्री विधायकों की तो बात छोड़ दीजिए, मंत्री लगातार कहते थे कि हमारी बात है। साफ तौर बेंगलोर से जो वीडियो अभी जो आया था जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा था कि ये जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं वो किस तरह अफसरशाही से परेशान थे और साफ तौर पर कह रहे थे कि सरकार में हमारी सुनी नहीं जा रही थी, इसीलिए उन्हें मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा। चलिए एक बार आपको फिर सुनवा देते हैं कि ये जो बागी विधायकों विधायक हैं इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कुछ कहा। एक कोई आम आदमी नहीं होता, विधायक और मंत्री सारे बड़े मजबूत और स्वयं समझदार होते हैं, किसी कहने से नहीं आते। ये आक्रोश एक दिन का नहीं है, ये आक्रोश पिछले 15 महीनों का है। 1.5 साल की इस सरकार में जो अपेक्षा और उम्मीद लेकर विधायक मंत्री बने थे, वो क्षेत्र की जनता को हम क्या जवाब देते? हमारे कोई काम नहीं हो रहे थे, हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी। मंत्रियों के लिए भी मैं समझता हूँ 15 मिनट अगर इत्मीनान से कभी मुख्यमंत्री ने बात कर ली हो तो मुख्यमंत्री जी स्वयं दिल पर हाथ रख के बताएं। हमको कोई कमलनाथ जी से बुराई नहीं है, लेकिन कमलनाथ जी जब दिल्ली में थे तो बड़े अच्छे थे, पर कमलनाथ जी जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन के आए तो उन्होंने सारा बोझ अपने मूड पर रख लिया। भाई सारा बोझा सिर पर रखे हो, सुनिए आप काम को बांटो ना, आप मंत्रियों को आप बांटो ना। मंत्रियों को कोई अधिकार नहीं, विधायक हमसे लड़ते थे, विधायक कहते आप काम नहीं कर रहे हो, हमको एक कुछ भी काम करने का अधिकार नहीं। ऐसी स्थिति में क्या करते हम लोग? कोई बेकार नन्ना, एक बात बताओ, अगर इतने नाजुक तो नहीं हम, गुड़ के पुआ तो नन्ना के को खा ले। हम तीसरी बार विधायक हैं, कैबिनेट में मंत्री रहे इमरती देवी, हम डबरा से विधायक हैं, ग्वालियर जिले मध्य प्रदेश से, तो को हमें कैसे बहका सकता है? हमारे सामने बहकावे वाले और बहक जाएंगे, लेकिन हम किसी के बहकावे में न जाए, किसी के लालच में न जाए। सिर्फ हम अपनी क्षेत्र की जनता का विकास कैसे होगा उस जगह जाना चाहते हैं। हम अपनी मर्जी से हैं, अपनी मर्जी से रह रहे, अपने पैसे से रह रहे, हम किसी के दबाव में नहीं है। तो इस समय आप हमारे क्षेत्र में और हमारी विधानसभा में और हमारे मध्य प्रदेश में पूछ सकते हो कि हमारे लोग, हमारे महिला बाल विकास के अधिकारी, कार्यकर्ता, सहायिका, परियोजना पर्यवेक्षक, सब पूरे हर आंगनबाड़ी पे खड़ी है। राज्य की सरकार से ना खुश होकर, असंतुष्ट होकर हम यहाँ आए, कदम हमारा हो चुका है, हम रिजाइन दे चुके हैं। आप यहीं पे रहोगे? अगर हमको सीआरपीएफ मिलती है तो हम बिल्कुल चले जाए, चुनाव लड़ने के लिए तैयार। बिल्कुल 100% हम तैयार हैं मैदान में जाने के लिए, जनता के बीच में जाने के लिए। और जनता की जो आकांक्षाएं थी उसको पूरा नहीं किया कमलनाथ जी की सरकार ने, इसलिए हम लोग ये त्याग पत्र देके जा रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि यदि प्रदेश में कांग्रेस सरकार यदि जा रही है तो अपने अहंकार के कारण जा रही है। केंद्रीय नेतृत्व को विचार मंथन करना चाहिए कि क्या कारण है कि आज सीमित ज्योति सिंधिया जी जैसा एक बड़ा नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ रहा है, 22 विधायक कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं। ये मंथन जरूरत है, मंथन नहीं किया तो आने वाले समय में कांग्रेस कहाँ जाने वाली है विचार करिए। आज ये 22 विधायक जो आए हैं, पिछले 9 दिनों प्रचार चल रहा है, हम बंधक हैं, किसी विधायकों के बंधक बना सकता है?
दुनिया की कोई ताकत बंदा नहीं बना सकती। हमें 3.5 लाख जनता ने चुना है, हम आए हैं अपनी मर्जी से आए हैं, लेकिन किसी कॉज से आए हैं, क्या कारण है? आज यदि सुमित सिंधिया जी ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार को वचन पत्र का पालन करना चाहिए, तो हमारे मुख्यमंत्री यदि घमंड में कहते हैं कि सड़क पर उतरना है तो उतर जाओ, इसलिए कि जिस जनता ने हमको चुना है, विधायक बनाया है, वचन पत्र के आधार पर, वचन पत्र का यदि हम पूरा नहीं करेंगे तो ये सरकार के खिलाफ भी है और हमारे खिलाफ भी है। जनता ने हमको चुना है वचन पत्र के आधार पर, यदि हम क्षेत्र का विकास ही कर पाएंगे, सड़क है, पानी है, बिजली है, सीवर है, जो जनता चाहती है विकास ही कर पाएंगे, तो फिर जनता के साथ अन्याय है? जनता ने विधायक क्यों बनाया कि क्षेत्र का विकास हो, और क्षेत्र का विकास नहीं होगा तो हमारा विधायक रहने का मतलब नहीं है। अरे ये तो मेरी बात सुनो, ये अगर उनको ऐसा लगता है तो कार्रवाई करे ना, अभी तो इनकी सरकार है, डाले छापे अलग कुछ कार्रवाई, अगर गलत है मतलब इन्होंने ये भैया विधायकों ने ऐसा करा है छापे डाल के, अभी तो सरकार आपकी है, इतने दिन हो गए 15 दिन छापे डाल के क्लियर करे, गलत है तो साला को फंसाओ इनको। देखो जनता से मैं पूरी मीटिंगें लेके आया हूँ कि मेरी जब आपके आवेदन मेरे पास आते हैं, आपके काम आते हैं, और जब मैं वहाँ पर जाता हूँ नी सुनवाई हो रही है तो इसकी लड़ाई लड़ूं के लड़ूं, तो कार्यकर्ताओं का समर्थन था कि विधायक आप लड़ाई लड़ो, सच्चाई की लड़ाई।